घर बार बसाने के लिए, दुनिया का व्यवहार निभाने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। मेरी प्रार्थना परमेश्वरी श्री आप सब लोगों के लिए कि आपको कर्ज नहीं लेना पड़े, आप लोगों की इज्जत नहीं जाए, आप लोगों का काम नहीं बिगड़े। इतनी व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, लेकिन जो लोग 24 ही घंटा रुपयों की पेटियां भरने के चक्कर में पड़े उनकी हालत खराब है। जो जो पैसा बढ़ता है त्यों त्यों लोगों का ब्लड प्रेशर और शुगर भी साथ का साथ बढ़ता है। गरीब आदमी बीमार होकर हॉस्पिटल जाता है, 150 रुपए की दवाई में ठीक हो जाता है। अगर वो डॉक्टर साहब को चला करके पूछे आगे होकर के कि डॉक्टर साहब कुछ छोड़ना है, कुछ पत परहेज रखना है, डॉक्टर साहब बोलेंगे सब कुछ खा, अल्लड़ बल्लड़, टेंशन मत ले। लेकिन बहुत पैसे वाले महापुरुष जब बीमार होकर हॉस्पिटल जाते हैं, 5-7 हज़ार में तो जांच होती है, 5-25 हज़ार की दवाई लिखी जाती है, और ऊपर से 5 चीज़ें बंद कि भाई साहब नमक कम कर देना, मिर्ची मत खाना, गुड़ चीनी पर कंट्रोल रखना, और घी तेल तो बंद ही कर देना। नमक खाओगे बीपी बढ़ जाएगा, मिर्ची खाओगे अल्सर एसिडिटी हो जाएगी, गुड़ चीनी खाओगे तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा, और घी तेल तो खाना ही मत, 2 प्लोकेज ऑलरेडी हार्ट में अटैक आएगा और राम नाम सत्य हो जाएगा। थई बताओ भाई जी, जो पीसो आपने होली दिवाली पे भी लाडू पकौड़ी को नहीं खावन दे, और अपना रिश्तेदार कहते जिमन ने भी को नहीं जावन दे, अड़ो पैसो सुख दे सिकाई। पैसा जीवन चलाने की व्यवस्था है, इसलिए प्रार्थना कि मैया इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, थे भी भूखा नहीं रहो और आयो न भूख हो जाए, इतना होना चाहिए। मेरी ये प्रार्थना सदैव आप लोगों के लिए रहेगी, और मेरी बात छोटी छोटी बातों को मान लिया तो समस्या भी नहीं आएगी। लेकिन सिर्फ पैसों के चक्कर में पड़ने पर सिर्फ दुख बढ़ेगा, संपूर्ण सुख की प्राप्ति हो सकती नहीं। धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गो सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।